Now question number 73. The field of education is permeated by conflicts and misconceptions because, तो इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी विद विच द स्कूल पर्सनल हैव बीन एंटस्टेड इज दैट, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है इसका. हम पूरी तरह से पढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो को छोड़ा रखना चाहते हैं. नेक्स्ट देखिए 75 नंबर. क्लासरूम डिसिप्लिन कैन बी मेंटेन्ड इफेक्टिवली बाय, तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका बी, प्रोवाइडिंग ए प्रोग्राम इन विच प्रोग्राम विच इज अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स. ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है. यहाँ पे देखिए जैसे इसने प्रोग्राम में लिखा ना एम ई अलग कर दिया, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इसी से पढ़ने में दिक्कत हो रही है. अच्छा 76 देखिए. पूछा द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू होस्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी, तो ये है आपका हरियाणा, डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा बनेगी. अच्छा 75 का हमने आपका आंसर बताया नहीं बताया, 75 का ऑप्शन बी है सही है. देन 77 वी हु बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पर देखिए. तो ये थे डॉक्टर अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम भी कहते हैं इनको, और इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम. ठीक है, इसके अलावा 11th ऑफ नवंबर को हर साल इसका हम इनका हम बर्थडे मनाते हैं, और किस फॉर्म में मनाते हैं, एजुकेशन डे के फॉर्म में. ठीक है, तो इस पर भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं इसलिए आपको बताना ज़रूरी समझा गया. 78 देखिए. डेजेस इज द डिग्री टू विच टेस्ट मेजर्स वॉट इट इज सपोज टू मेजर, तो ये है वैलिडिटी, ऑप्शन सी इज राइट. 79 विच आर द फॉलोइंग इफेक्ट एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट एट ए गिवन टाइम, तो क्या है जो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट अफेक्ट करता है, तो ये है आपका इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर, मतलब किस नेचर में वो इंटरेक्ट कर रहा है, कहाँ पे वो है रह रहा है, इस पर डिपेंड करता है, और उसकी परवरिश कैसी हो रही है उस पर डिपेंड करता है. नेक्स्ट इज 80 विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग, टीचिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा है, तो रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. 81 टू मेक लर्निंग इफेक्टिव ए गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ, लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए ए गोल मस्ट बी मीनिंगफुल, गोल मीनिंगफुल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ किस मायने में, तो ये होना चाहिए आपका नीड्स एंड पर्पजेज ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज 82 इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव द एबिलिटी टू ऑब्जर्व इन चिल्ड्रन विच द फॉलोइंग वुड यू रिकमेंड, इनमें से कौन सा आप रिकमेंड करोगे, ट्रेनिंग मेंटल फैकल्टीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट देखिए 83 विच द फॉलोइंग ट्रीटमेंट कैन बी यूज टू इम्प्रूव द प्रोसेस अंडर पिनिंग मोटर स्किल्स, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है. काफ़ी मुश्किल सवाल था, आसानी से मिलते नहीं, साइकोलॉजी बेस्ड सवाल होते हैं. 84 देखिए विच द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है, लर्निंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिफिकल्टी रीडिंग. नेक्स्ट देखिए वेन इंडिविजुअल विद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मल्टीपल कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफिशिएंसी इन वन आइसोलेटेड स्किल, दिस इज नोन एज हैन, माय गॉड यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगी, वन आइसोलेटेड स्किल दिस इज नोन एज कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज हैज एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोफिशिएंसी, और इसका आंसर होगा 7th सिंड्रोम, तो ऑप्शन डी. नेक्स्ट देखिए 86 लेजिस्लेशन कंसर्निंग द एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ब्रिंग्स इन टू फोकस द, तो इट इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, पॉलिटिकल नेचर ऑफ एजुकेशन. 87 इन स्कूल्स फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी कंसीव्ड प्राइमरली एज फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम शुड बी कंसीव्ड, कैसे कंसीव किया जाना चाहिए प्राइमरीली, तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा, ए सीरीज ऑफ प्लान डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस. नेक्स्ट देखिए 88 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन इंडिया 2009 वाज डेवलप्ड बाय, तो ऐसे फ्रेमवर्क जो हैं ये टाइम टू टाइम आते रहते हैं, आई थिंक 4 या 5 अब तक आ चुके हैं, तो NCERT तैयार करता है बट फॉर NCTE, तो ऑप्शन ए सही है, डेवलप्ड बाय NCERT फॉर NCTE, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, और यही बॉडी टीचर्स की एजुकेशन को कंट्रोल करती है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह का इंतजाम करती है, TET जिसे आप आगे जाकर एग्ज़ाम देंगे जब कोई गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी होगी तो उसको भी ये कंडक्ट करता है, CTET को भी यही परमिशन देता है. ठीक है, NCTE 1995 में बना था ये.
इसका ये भी पूछ लिया था, ये रहा एस्टेब्लिशमेंट कई बार। 89 देखिए क्या कहता है, एजुकेशन एंड सोसाइटी आर टू म्यूचुअली सपोर्टिंग सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड दैट वन कैन नॉट थ्राइव इन एब्सेंस ऑफ द अदर। व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है? तो रीजन है पहला, एजुकेशन सस्टेन सोसाइटी बिजनेस कल्चर असर्ट्स इन न्यू वन एंड इनकल्केट वैल्यूज। ऑप्शन वन इज करेक्ट। 90 देखिए, अकॉर्डिंग टू द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया टीचर पीपल रेशियो पूछा है, इसमें से क्या होना चाहिए? इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ये हमें कंफर्म नहीं है सवाल, कहीं पे 1:10 मिलता है, इसमें कहीं 1:07। ठीक है, तो 1:07 तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, अगर 1:10 होगा तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। लेट्स सी कि जामिया इसमें क्या आंसर देता है। एक दो सवाल तो ऐसे होते ही हैं जो कि परेशान करते हैं। 91 देखिए, क्वेश्चन नंबर 91, द राइट टू एजुकेशन पास इन आवर पार्लियामेंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें दो आर्टिकल इन्वॉल्व होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन में वन इज आर्टिकल 45 एंड अदर वन इज आर्टिकल 21A। क्लियर, तो मैंने 21A भी दिया हो सकता, अगर यहाँ 21A दिया होता तो वो आंसर बन जाता। 92, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग इज एसेंशियल फॉर स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 93 देखिए, आइडिया ऑफ फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय, किसने सजेस्ट किया था ये आइडिया? तो ये दिया था यूनेस्को ने। अब आप कमेंट करके बताइए कि यूनेस्को का हेड ऑफिस कहाँ पे है। 94 देखिए, रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड वीकेस्ट मैन होम यू मे हैव सीन एंड आस्क योरसेल्फ इफ द स्टेप यू कंटेम्प्लेट इज गोइंग टू बी ऑफ एनी यूज टू हिम हु सेड दीज लाइंस। किसकी लाइंस हैं, किसका कथन, किसका स्टेटमेंट है? तो ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है। 95, हाउ शुड अ टीचर बी रिलेटेड टू हिज पीयर्स, कैसे रिलेट करना चाहिए टीचर को अपने साथियों के साथ? तो सजेस्ट, ही शुड सजेस्ट ईच अदर द इफेक्टिव वेज टू टीच, एक दूसरे को इफेक्टिव वेज ऑफ टीचिंग बताना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। 96 देखिए, लर्निंग इन द मदर टंग हेल्प्स ए स्टूडेंट टू डैश व्हाट इज बीइंग टॉट, क्या आंसर आएगा इसमें? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, इजिली कंप्रेहेंड। 97, विच एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट बिलीव इन द फैक्ट दैट ऑल चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू लर्न, किसका कथन था ये, कौन ऐसा बिलीव करता था? तो ये था आपका फ्रेडरिक फ्रोबेल, फ्रीबेल होना चाहिए, फ्रोबेल लिखा है। ओके, एनीवेज। 98, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज बिल कवर्स, कितनी कैटेगरी को कवर करता है, कितनी कैटेगरी इसकी डिसेबिलिटीज को, 21 टाइप डिसेबिलिटीज को कवर करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 99 देखिए, जो द फॉलोइंग मे बी मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज टू मेजर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनमें से कौन सा टेस्ट जो है हम सेल्फ कॉन्फिडेंस मेजर करने के लिए लेते हैं? तो ये पहला होता है एन एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट देखिए, 100, हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट स्कूल टू एजुकेट द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार आता है, तो इसका आंसर सही होगा बी, सेगमेंट। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, होपफुली पिछले सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ से आपको अब देखिए जामिया में बीएड या बीएड नर्सरी के जो एग्ज़ाम होंगे उनमें टीचिंग एप्टीट्यूड के भी सवाल आएंगे, प्लस अदर एग्ज़ाम लाइक बीबीए जिनमें जीएस आती है वहाँ पे ये जीएस के सवाल भी रिपीट होंगे। सो अच्छे से नोट्स बना लेना ताकि आपके एग्ज़ाम में ये जो सवाल अगर रिपीट हुए तो आप 100% सही कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।